नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे डीसी मोटर के प्रकार। दोस्तों, डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक सेवर से लेकर ऑटोमोबाइल तक के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। अनुप्रयोगों की इस विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डीसी मोटर के आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो चलिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के डीसी मोटर के बारे में विस्तृत रूप से आज चर्चा करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर यानी स्व उत्तेजित डीसी मोटर। इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को श्रृंखला में या आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर में जोड़ा जाता है। द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू आर्मेचर वाइंडिंग इन सीरीज और इन पैरेलल। इसके आधार पर स्व उत्तेजित डीसी मोटर को इस तरह वर्गीकृत किया जाता है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डीसी शंट मोटर कैसे कनेक्ट करते हैं। डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर का कनेक्शन समानांतर में होता है। अंग्रेजी में इसका मतलब है पैरेलल कनेक्शन। द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू फील्ड वाइंडिंग इन पैरेलल। जब पैरेलल कनेक्शन की बात होती है तो दो अलग अलग सर्किट होने की वजह से आर्मेचर में बहने वाला करंट और फील्ड वाइंडिंग में बहने वाला करंट मात्र अलग अलग होता है, परंतु आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को मिलने वाला वोल्टेज एक समान होता है। डीसी सीरीज मोटर। जैसे कि आप देख रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर के कनेक्शन में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक श्रृंखला में जोड़ दिया गया है। अंग्रेजी में इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। द आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर। यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग में बहने वाला करंट और फील्ड वाइंडिंग में बहने वाला करंट एक होता है, परंतु यह दोनों वाइंडिंग को मिलने वाला वोल्टेज मात्र अलग अलग होता है। यानी इस सर्किट को मिलने वाला वोल्टेज यहां पर विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के मोटर में टॉर्क अच्छी तरह होने के कारण यह मोटर ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या पावर कटिंग टूल्स में इस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल मोटर के बारे में बहुत कुछ।